हाँ तो आज या इस्कॉनच्या या जागेमध्ये आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाची प्रेस कॉन्फरन्स होत आहे आणि आज आमच्यासाठी अत्यंत खुशीची गोष्ट आहे की पायल घोष हिचा आणि माझा संपर्क गेल्या 2 महिन्यापासून आहे आणि तिच्यावर अन्याय झालेला होता. अनुराग कश्यप या दिग्दर्शक आणि निर्मात्यांनी तिच्यावर अत्याचार केल्याची कंप्लेंट कुंड पोलीस स्टेशन वर्सोवा पोलीस स्टेशनमध्ये तिनं तक्रार नोंदवलेली आहे आणि मी पायलची बाजू यासाठी घेतली की पायलवर अन्याय झालेला आहे. महिलांच्या बाजूने कायदा आहे आणि अशा पद्धतीचा अत्याचार करणाऱ्या कुणी व्यक्ती असेल कुठल्याही पदावर असेल तरी त्याला कायद्याने ताबडतोब पकडलं पाहिजे. म्हणून आपण तिच्याबद्दल आमच्या आरपीआयच्या वतीनं आम्ही आंदोलन केलेलं आहे वर्सोवा पोलीस स्टेशनला. त्यानंतर पायलला घेऊन आपण गव्हर्नरना भेटलो, माननीय आदरणीय गव्हर्नरना भेटलो आणि त्यानंतर मग पोलीस स्टेशनच्या हालचाली सुरू झाल्या. मी जे जॉईंट CP आपले विश्वास नांगरे पाटील, त्यानंतर त्या भागाचे DCP SCP सिनियर इन्स्पेक्टर या सगळ्यांशी बोललो आणि त्यानंतर अनुराग कश्यपची चौकशी सुरू झाली पण अद्याप त्याला पकडलेलं नाही. अभिनयनं पकडाय अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया है. तो मतलब ये केस में अगर ऐसी कंप्लेंट आती है तो फौरन पुलिस एक्शन लेती है. वो कौन आदमी बड़ा है कि छोटा है उससे मतलब नहीं है, तो कानून के मुताबिक उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट होना चाहिए. तो इसीलिए हम पायल घोष के साथ है. मुझे वेस्ट बंगाल से भी फोन आए कि ये पायल हमारी वेस्ट बंगाल की है, आप मुंबई में रहते हैं, आप इनको सपोर्ट करो. तो मैंने बोला है मुझे बताने की जरूरी नहीं है, मैं खुद ही जानता हूँ कि पायल वेस्ट बंगाल की है, कलकत्ता की है और वो मुंबई में कई सालों से रहती है. उन्होंने 6-7 साउथ इंडिया के फिल्मों में काम किया है, 2 हिंदी फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है. वैसी जो फिल्म एक्ट्रेस है तो ये फिल्म एक्ट्रेस को सपोर्ट करने की हमारी जिम्मेदारी थी और हमने पायल घोष को सपोर्ट किया है और अनुराग कश्यप को जल्दी जल्दी अरेस्ट करनी ही चाहिए, इसी तरह की हमारी मांग है. तो बीच में पायल घोष जी के साथ मेरी बातचीत हुई और हमने बोला कि भाई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, ये पार्टी सभी वर्गों को साथ देती है, सभी वर्गों को हाथ देती है, सभी फिल्म इंडस्ट्री के लोग हो या दलित हो, आदिवासी हो, OBC हो, गाँव में रहने वाले लोग हो, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हो, जिनके ऊपर अन्याय होता है उनके खिलाफ आवाज़ उठवाने वाली RPI है. और आप अगर RPI में आती है तो एक हमें अच्छा चेहरा RPI के लिए मिलेगा. और इसीलिए मतलब मैंने उनके बात करने के बाद वो तैयार हुई कि मैं मुझे भी ज़िंदगी में कुछ सेवा करनी है. आपने मुझे अच्छा सपोर्ट किया है तो आपके पार्टी में आने के लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है और इसीलिए मतलब आज उनको पार्टी में हम ले रहे हैं. तो मैं यहाँ मतलब पायल घोष जी आज यहाँ पार्टी में आई है इसीलिए उनका मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. और अभी ये उनको जो हमारा ए प्रकाश दे दो. हाँ, उठो उठो, तालियां बजाओ, तालियां बजाओ. तो झंडा हाँ 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 थैंक यू थैंक यू. हाँ दूसरी हमारी एक लामून साहेबांचा झंडा घ्या मॅडम. हाँ एक मिनट सर आप भी सब के हाथ से ले लीजिए. हाँ दौड़ो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा रामदास जाटवले साहेब आगे बढ़ो, पायल घोष आगे बढ़ो. महिलाओं के सम्मान में RPI मैदान में, महिलाओं के सम्मान में, RPI मैदान में, महिलाओं के सम्मान में,
और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने हाँ जिन्होंने अनुराग कश्यप को किया है घायल, उनका नाम है पायल। तो उन्होंने मतलब इनके ऊपर अन्याय किया था, तो आज और भी मतलब एक सोनी कनिष्का है, ये फिल्म से जुड़ी हुई है, इन्होंने भी साउथ इंडिया के कुछ फिल्मों में काम किया है, तो ये मतलब तो ये जो सोनी कनिष्का है ये टीवी सीरियल में देवों के देव महादेव, संकट मोचन, महाबली हनुमान देवी आदि पराशक्ति टीवी चैनल पर एडवर्टाइजमेंट, साउथ मूवी सिनेमा में उन्होंने काम किया है, वो सिंगर भी है, और जो फिल्म है सिद्धांत इशार और सोनी कनिष्का का फिल्म का नाम है दी क्या संरक्षण जागो और जू। तो ये मतलब ये हमारी सोनी कनिष्का है। हाँ उठो, हाँ इनको भी झंडा दे दो, हाँ इसको डालो। झंडा दे, इनको ही इन्होंने भी आरबीआई में प्रवेश में किया है, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हाँ चलो जयंती भाई चलो। दूसरे हमारे अंकुर चापेकर है, उद्योगपति है, ऑयल इंडस्ट्री में वो काम करते हैं, इनका फैक्ट्री पुणे में है और ये दुबई में भी कई साल तक रहे हैं, तो वो भी मतलब अपनी पार्टी में आ रहे हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ। अंकुर करकेरा जी, अपने अंकुर सापेकर जी, अंकुर सापेकर जी ये उद्योगपति हैं आणि त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो। त्यानंतर त्यांचे पार्टनर आहे अफशा सय्यद, ही रत्नागिरीची राहणारी आहे आणि यांच्यासोबत सापेकरांच्या सोबत ती पार्टनर आहे, तर ती सुद्धा आरपीआयमध्ये येत आहे। तिला हे द्या, अरे द्या ना त्याला। झेंडा देतो, झेंडा दे, हे नाही का झेंडा ते झेंडा म्हणजे हात नाही दिली, अरे झेंडा देना तिकडे आप जो उठो उठो दोनों पकड़ो। राज पायल घोष आणि हे सगळे जाणी जाणी आरपीआय मध्ये प्रवेश केलेले आहे, त्या सर्वांच्यामुळं आमच्या पक्षाला बळकट येणार आहे आणि हे सगळे जे आता आलेले आहेत ते दलित समाजाचे नाहीत, हे सगळे लोक नॉन दलित आहेत आणि आमचे खुराना जे आहेत ते इस्कॉनचे इथले जे चेअरमन पण आहेत आणि त्या ते सुद्धा आमचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहेत, इथं प्रकाश जाधव आलेले आहेत ते आमचे जिल्ह्याचे अध्यक्ष आहेत, तर अशा पद्धतीनं या सर्वांनी आरपीआयमध्ये प्रवेश केल्यामुळं रिपब्लिकन पार्टी को अच्छा मजबूत बनाने में ये सभी का अच्छा उपयोग होगा। और मैं अभी पायल घोष को बोलता हूँ कि आप थोड़ा सा दो मिनट बताइए आपने क्यों आरपीआई ज्वाइन करने का विचार किया, तो ये मतलब वो थोड़ा बहुत बताएगी पायल घोष। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सर मुझे हमेशा सपोर्ट किए हैं और ये जो मेरा फाइट है इन इसके लिए सर इज ऑलवेज बाय माय साइड एज रॉक सॉलिड। सर को मैं आई एम ग्रेटफुल टू सर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड ही हैज़ ऑलवेज केम फॉरवर्ड एंड ही ऑलवेज कम फॉरवर्ड फॉर वीमेन, जो बहुत एक आज हम वी वीमेन नीड दैट काइंड ऑफ सपोर्ट बिकॉज स्टिल वी लिव इन अ सोसाइटी विच इज़ कम्प्लीटली मेल डोमिनेटेड। तो आज
आरपीआई मैं इसीलिए ज्वाइन की हूँ क्योंकि अपार्ट फ्रॉम माय शूट एंड माय स्केड्यूल जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं देश के लिए कुछ कर सकूँ। अमृतकर सर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसे हम पूछते हैं वी वर्शिप द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो पार्टी जिन जो सबके लिए काम करते हैं, मे दैट बी माइनॉरिटीज फॉर मे दैट बी दलित, तो इनके साथ अगर मैं खड़े होके इनके लिए कुछ कर सकती हूँ तो मैं अपना नसीब समझती हूँ। सो दिस इज़ द रीज़न आई वॉन्ट टू सर्व द पीपल ऑफ द कंट्री, इसीलिए मैं आरपीआई ज्वाइन की हूँ। अरविंद सर हैज़ अ ग्रेट मोटिव एंड ही ऑलवेज टेक द इनिशिएटिव टू स्टैंड बाई द पीपल हु एक्चुअली नीड इट, ही इज़ ऑलवेज देयर नो मैटर वेर एवर इट इज़। तो जब इतने अच्छे इंसान हमारे साथ होंगे तो और भी हम देश के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। थैंक यू। और अभी हम पायल घोष जी को हमारे नेशनल कमेटी जो है महिलाओं की, उनका नेशनल कमेटी पर वाइस प्रेसिडेंट जो है, ये वाइस प्रेसिडेंट के पद पर मैं इनका नाम अनाउंस करता हूँ और देश भर में काम करती रहेगी। महाराष्ट्र में भी जब जब उनको टाइम मिलेगा तब तब वो मतलब आएगी और वो बहुत बड़ी एक्टिव है। आपने देखा है कि वो बोलने में बहुत बड़ी होशियार है, जिस तरह कंगना होशियार है उसी तरह ये होशियार है। तो इसी तरह ये अभी इनको पूरा मालूम है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इनको न्याय मिलने के लिए हमारी लड़ाई है और जिस अपेक्षा से मैंने उनको सपोर्ट किया है और उनकी भी अपेक्षा है कि अनुराग कश्यप को सजा होनी चाहिए, उसके लिए ज़रूर मतलब हम कोशिश करते रहेंगे। और आज सब जो पत्रकार इधर आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, फोटोग्राफर, जो प्रिंट मीडिया के, तो सबको निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे खुराना साहब की तरफ से सबको इधर का खाना भी रखा है, तो सब लोगों ने खाना खाकर जाना है और आप लोग सब इधर आए, इसीलिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। और ये बाकी के लोगों को क्या पद देना है ये बाद में मुंबई में हम बैठ कर इनको क्या पद देना है ये सब हम पद दे देंगे। तो आरपीआई सभी जाति धर्मों की पार्टी बन रही है, एक बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए बाबा साहब का सपना पूरा करने का मौका मुझे मिल रहा है और इसीलिए मैं आगे बढ़ता रहूँगा। और आप जैसे लोग और मेरे साथ आएंगे तो एक दिन रिपब्लिकन पार्टी बहुत ताकतवर पार्टी के रूप में आगे आएगी। एडवोकेट बना लेते हैं। और ये हमसे एडवोकेट नितिन सातपुते, ये अपने पायल घोष वकील हैं आणि ते सुद्धा सातत्याने तिच्या केसच्या संबंधामध्ये प्रयत्न करत आहेत, कोर्टामध्ये त्यांना न्याय मिळावा यासाठी ते प्रयत्न करत आहेत। तर त्यांचे मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो आणि त्यांनी सुद्धा इच्छा व्यक्त केलेली आहे की मला पार्टीमध्ये काम करायचं आहे, त्यामुळे त्यांना काय द्यायचं नंतर आम्ही ठरवू। तर त्यांनी सुद्धा आमचे नितीन सातपुते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि त्यांचं या ठिकाणी स्वागत करतो, त्यांनी आपल्या पार्टीमध्ये प्रवेश केलेला आहे असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो आणि आपण सगळ्यांनी जेवण करून जावं अशी सूचना आपल्याला करतो। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। रिपब्लिक पार्टीचा ग्रुप। एक सर मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, सर एक चीज बोलना चाहती हूँ। बोलो बोलो बोलो। जय भीम, जय भीम। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, पता नहीं कितना मतलब आई थिंक हमने न्यूज़ में देखा कि अनुराग काश्यप के साथ अमित जी जो इतने बड़े, ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ अ सुपरस्टार बियॉन्ड दैट, वो उनके साथ काम कर रहे हैं। जब इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उनके साथ किसी को भी काम करना चाहिए। जब तक इन्वेस्टिगेशन ख़त्म नहीं होता है, मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी बॉलीवुड से कि अनुराग काश्यप को बॉयकॉट किया जाए। थैंक यू। क्या ये मैसेज खास अमिताभ बच्चन जी के लिए था? सबके लिए है ये मैसेज। अमिताभ कौन सी फिल्म में काम कर रहे हैं? पता नहीं, मैंने न्यूज़, आई डोंट नो हाउ ऑथेंटिक इज द न्यूज़, बट जो हमें पता चला है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी। अमित जी तो इतने बड़े एक्टर है, हाँ अमित जी तो इतने बड़े एक्टर है, और अपार्ट फ्रॉम दैट to all other actors and directors and everyone till the investigation is going on, aur abhi tak jab investigation chal raha hai to koi bhi unke sath kaam na kare to hame lagega ki Bollywood still have respect for women. Matlab ye kehna chahiye ki Amitabh Bachchan shuruaat karenge to baki log unko dekhe? Bilkul bilkul, wo mahanayak hai, wo unse bada to koi nahi, koi bhi nahi hai industry mein,
तो आई वुड लव दैट इफ ही ज्वाइन एंड इफ ही स्टार्ट बिगिन विद अस. थैंक यू. और अभी ये पायल घोष के केस के बाद मैं सभी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लड़कियों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपके ऊपर पायल जैसा अन्याय होता है तो फौरन आप हमारे पास आइए और आपके लिए न्याय देने का काम हम करते रहेंगे. आप डर के मारे अगर चुपचाप बैठेगी तो ये इंडस्ट्री का जो कैरेक्टर है ये कैरेक्टर बहुत बड़ा खराब हो सकता है, हो रहा है. तो इसीलिए मुझे लगता है कि इसी तरह का मिसयूज करना, जो गांव गांव से लड़कियां फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए आती है, यहाँ इतना कष्ट करती है और एक्सरसाइज करती है और ऐसे मतलब लड़कियों पर ये प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोग जो है ये जानबूझकर अन्याय करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है. तो सगळ्यांनी जेवण करा आणि जाऊ सगळ्यांनी. थँक यू. बोलते ते भी बोलते ते एक मिनिट. हां आप बात करो. हे एक कनी. हां ये कनीस का सोनी बोल रही है. एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट एक मिनिट बोल बोल नाम बोलो. मैं कनिष्का सोनी, मैं पार्टी को इसलिए भी ज्वाइन करना चाहती हूँ. मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने आरपीआई ज्वाइन किया है, क्योंकि सबसे पहले तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं गरीबों के लिए कुछ करूँ, सोशल वर्क करूँ. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ और मैं पायल घोष को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ यहाँ पर होती हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती हैं. कभी कभी कोई वापस अपने घर चली जाती है. बहुत बार प्रोड्यूसर डायरेक्टर डिमांड रखते हैं कि मेरे साथ भी हुआ है, बहुत बार ऐसा डिमांड रखी है कि अगर मैं आपको मेन लीड मूवी दूँगा अगर आप यू नो ये करते हो वो करते हो, पर टर्म्स कंडीशन रखते हैं सामने, तो हम लड़ नहीं पाते हैं. लाइक कंगना रनौत उस लेवल पे है, जब जहाँ पर जाकर वो आवाज़ उठा रही है, आवाज़ उठा पा रही है, लेकिन कभी कभी हम चुप रह जाते हैं, हम बोल नहीं पाते हैं. सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ पायल कि आज वो आवाज़ उठा रही है, वो बोल रही है, उसके साथ जो भी हुआ है. तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं ऐसी एक्ट्रेसेस जो यहाँ अपकमिंग है और बहुत स्ट्रगल करती है, बहुत मेहनत करती है, वो जस्ट काम करना चाहती है, वो यहाँ एक्ट्रेस बनने आई है, लेकिन प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उन्हें उस डायरेक्शन में ले जाते हैं कि जैसे वो यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम करने आई है, एक्ट्रेस बनने नहीं आई है, अपना करियर बनाने नहीं आई है. तो इस बात के लिए भी मैं खड़ी रहना चाहूँगी लड़कियों के साथ. और दूसरी भी मैं सोशल वर्क में सपोर्ट करना चाहूँगी आरपीआई को, जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत है मेरे सपोर्ट की, आई विल स्टैंड बाय देम एंड आई एम वेरी मच प्राउड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर विद रामदास अठावले जी. जीवन करा दीजिए, जीवन करा सकते हैं. ग्रुप फोटो क्या ग्रुप फोटो ना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचा रामदास आठवले आगे बढ़े, पायल घोष आगे बढ़े.